अनदर व्लॉग। तो आज का सीन हमारा है, शेरी भाई बताएंगे। गैस आज हम लोग जा रहे हैं एक शूट के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम अभी आप लोगों को फिलहाल नहीं बता सकते। पहले जाते हैं पेट्रोल फ्यूल फुल करवाते हैं। आज मौसम दिखाओ, बाहर खिड़की से मौसम देखा हो रहा है, घूमने का मजा ही कुछ और है। होए होए, हमारे को ज्वाइन किया जवाद भाई ने। अरे पेट्रोल पंप आज बंद है, पता नहीं क्यों। हम लोग पीछे से घूमते हुए आ रहे हैं, दो पेट्रोल पंप में गए थे, बंद थे, बोरे आज हड़ताल है। ये टोटल पार्क को बड़ा पंप है अपने बल्दिया का, अगर ये बंद है तो फिर सारे पंप बंद है। ठीक है, देखते हैं यार यहाँ पे जो है कुछ होता है कि नहीं। पीछे गाड़ियां आ रही है, इस तरफ लेते हैं आराम से। यार शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई, ये पंप भी बंद है। यार ये वाला पंप भी बंद है, पेट्रोल डलवाने का कहीं से वो ही नहीं बन रहा है। देखो ये पंप भी बंद है, पीछे सारे पंप भी बंद है। देखो यहाँ दिखाओ जाके, सीन ऐसे सारे पंप बंद है। ठीक है, एक पंप के हम लोग हैं यहाँ, सारी मशीनें बंद है। ठीक है, एक ही मशीन चल रही है और इतना रश है, देख रहे हो। और यहाँ भी जो है ना पेट्रोल देना बंद कर दिया, मशीन बंद कर दिया ताकि रश खत्म हो। पीछे गाड़ी जो है पेट्रोल डाल रही है, पीछे गाड़ी है ये डाल रही है पेट्रोल। सो गाइस अब ये सीन है कि बिल्कुल जो है ना हम लोग निहल्ले हुए हैं। ये अपनी बारी में होता है, पेट्रोल पंप वाले ऐसे हर वक्त करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। जवाब तू बता क्या सीन है। ऐसी गर्मी है यार, अच्छा खासा एसी में आ रहे थे हम लोग। अब यहाँ के देखो रश खत्म हो गया, मशीनें बंद कर दी ना हम लोगों ने, सारे लोग वापसी जा रहे हैं। ये सीन है सारा, हम लोग खड़े हैं फिर भी क्योंकि बोरे 15 मिनट रुको, 15 मिनट बाद मशीन चल जाए। मजे की बात पैकेज में नहीं है, गाने लगाए, गाने पका रहे हमको, लगा रहे गाने। देख रहा था ना, दिल मंगता नहीं। क्या बात, ये पागल हो गए। हमारे को पेट्रोल मिल चुके, बड़ी जो है ना पसीने छूटे हमारे। ठीक है पेट्रोल लेने में आज कल का ऐसा हुआ, पैसे दे के पेट्रोल लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, ऐसा लग रहा फ्री में तो है यार, अगले बात में रश था, ऐसा लग रहा था फ्री में बांट रहे पेट्रोल। पूरे एरिया में सिर्फ दो पेट्रोल पंप खुले हुए। तो गाइस सीन ऐसा है, रात हो चुकी है, हमने यहाँ पे गाड़ी अभी पार्क की। हम लोग सोचते हो कि ये चैलेंज वीडियो बहुत आसान होती है करना। देखो इतनी रात हो रही है, इन रोडों पे भी हम लोगों ने चलना है। ठीक है, कम आधा सफर भी नहीं हुआ, हम लोग शाम से निकले हुए। पानी की बोतल ले, वो सामने दुकान है, यहाँ से मैं सामान वगैरह सब लेता हूँ। हाँ सॉन्ग सुना, बहुत मुश्किल होती है गाइस चैलेंज वीडियो, तो सपोर्ट किया करो यार। खाना ले लिया, तकरीबन अभी बज रहे हैं 8:30, चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे, और अभी हमारे को तकरीबन जो है ना 30 किलोमीटर प्लस जो है ना सफर करना बाकी है। प्लेटे प्लेटे साइड पर रख दे, इसको कपड़े में लपेट, गर्म को गर्म रहने दे। ऐसे हमारी एक शॉर्ट ट्रिप हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जीने दो, ऐसी आवाज वाले को बंदा मार दे। ₹10 बचे हैं भाई हमारे पास से, टोटल 3,000 रुपए, 10 रुपए बचे हुए जो उसने अपने जेब में डाल लिए। काफी डर लग रहा है हमारे को, पहले आप लोग ये देखो रोड, देखो कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ना आगे कोई है ना पीछे हमारे कोई है, एक बाइक जा रही है वो भी अभी आई है, अभी काफी रास्ता रहता है और डर भी काफी लग रहा है यार। ये बाइक अगर अभी हम क्रॉस करेंगे ना, इसमें लेडीज बैठी हुई है, ये बाइक अगर अभी हम क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद आगे बिल्कुल सन्नाटा है। देखो आगे पीछे हर जगह सन्नाटा, साइड सन्नाटा। हाँ आप लोग समझते हो यार, जो मेरी मेन चैनल पे वीडियोस होती हैं बहुत आसान होती हैं। देखो गाड़ी अरेंज करना, पेट्रोल, खाने पीने के पैसे, लड़के अरेंज करना, फिर इतनी रात में निकलना, ये सब बड़ा मुश्किल होता है गाइस। इसलिए बोल रहा हूँ सपोर्ट किया करो यार, या मेरा जो शूट होता है वो आम लोग नहीं होता। लोकेशन पे पहुंच चुके, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चाचू इन्होंने हमारे को बताया रास्ता, थोड़ा सा हम भूल गए थे। हाँ मान भाई, हाँ चाचू ने हमारे को बताया वो जो लाइट, चाचू वहाँ लाइट मारो, नजर नहीं आ रहा होगा कुछ, वहाँ लाइट मारो, वहाँ पे जो दिखाया है आपने लाइट नहीं दिख रही है भाई कैमरे में। हाँ तू बता क्या बोल रहे हैं। चाचू ने हमारे को बोला यहाँ पर हमारे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, अभी हमारे को इस तरफ से ऐसे आराम आराम से करके जाना है। अच्छा, अभी देखते रात देखो कितनी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करें। बस यार लाइट नहीं है चाचू, लाइट हो जाता ना हमारे पास, लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं है। बोल रहा मेरी आंखें खुद का खुद ही नहीं होती है, क्या करूं मैं। चलो सही है चाचू, बड़ी मेहरबानी यार। अभी आप यहाँ से कैसे जाओगे, जाओगे क्या, छोड़ दूं गाड़ी पे, नजदीक है। चलो सही चाचू, फिर इंशाल्लाह बाद में मुलाकात हो। खाना निकाल ले बस, ये मैंने एक ही दरवाजा खोला हुआ है, बाकी सब लोग हैं यहाँ। आज की हमारी जो है सर्वाइवल वीडियो बनेगी। पानी छोटा पानी है ना, जी जी, चप्पल निकालो। ठीक है, ठीक है चाचू। हमें यहाँ आए हुए 1.5 घंटा हो चुका है और भूख बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए खाने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि यार गाड़ी का कपड़ा है, कुछ कपड़ा हम लोग नहीं लाए यार। जब भी ऐसी जगहों पे आना होता है ना, हम लोग चीजें लाना भूल जाते हैं। डर भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, देखो एक पिंजरे में समझो मैं बंद हूँ, चारों तरफ जाले हैं। वो दोनों गए अभी गाड़ी के पास कपड़ा लेने, गाड़ी का जो कपड़ा है ना, जो गाड़ी के ऊपर चढ़ता है तरपाल जिसे कहते हैं, वो नीचे बिछाएंगे, उसके ऊपर बैठ के फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि मिट्टी जो है ना गीली है, समंदर बिल्कुल चढ़ा हुआ है। आगे जो समंदर है, आवाजें लहरों की आपको आ रही होंगी, सुबह से ही दिखेगा, अभी रात का टाइम है ना, लाइट है ना कुछ, सही दिख नहीं सकता। हमने चप्पलें, पानी की बोतलें पड़ी हुई है। 5-6 किलोमीटर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो कब से गए हैं यार, कम से कम उन्हें 10 मिनट हो चुके हैं। हम लोग खाना लगा ही रहे, सामने एक बाइक वाला जा रहा है, वहाँ पे हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है। किसी जगह पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, लाइट भी नहीं है, इस वजह से लाइट लगा के जाना होगा। हो रहा बाइक वाला यार,
यार मुझे तो शेरी लग रहा है ये लोग अपने काम से लिए हैं, हम अपने काम से पकड़ी। वो सामने पीली लाइट दिख रही है ना, वो बात हो रहा है, वो चला गया है। अच्छा गाड़ी देखी है, गाड़ी तो इधर ही है ना, अपने नजदीक ही है। तो हमने गाड़ी के करीब ही बनाया ये छपरा, ठीक है, और पानी भी करीब है। बस ये डर है कि आगे नहीं आ जाए पानी, रात का टाइम है, पानी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है यार, नहीं आता। अच्छा था ये देख। अच्छा हमारा जो है ना आइडिया था कि हमने कहीं और जाके सर्वाइव करना है, अमान भाई का आइडिया था नहीं यहीं पे चलते हैं, यहीं पे चलते हैं, जगह ही मसे वाले। रोटियां वैसी की वैसी गर्म है, देखो कपड़े का बड़ा फायदा हुआ, हमने पहले सारी जगह साफ की, लेकिन मिट्टी बहुत ज्यादा है ना इस एरिया में, तो क्या कर सकते हैं यार। बसे भाई ये गंदे घुटने से साफ कर रहे हैं अपने। हमारा दोस्त गंजा भी हो रहा है, इसका इलाज के लिए कुछ बताओ जवाद भाई। The next day. So guys, अल्हम्दुलिल्लाह, finally यार हमारा शूट जो है कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। माशाल्लाह से रोड दिखाओ यार, रोड कितने साफ सुथरे हुए हैं हौसले से, जैसे वहां से आप लोग आगे आए ना हौसले की तरफ। अच्छा जहाँ आबादी नहीं है ना वहाँ रोड साफ है, जहाँ आबादी है वहाँ रोड साफ नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यार। मिट्टी देखो, गाड़ी के हालात देखो, नीचे दिखाओ। बहुत मजा आया हमारे को, बहुत आपको भी वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। फिर गाइस यहीं पे करते हैं अपनी व्लॉग का एंड, मिलते किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।